भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दूसरे वनडे मुकाबले में क्या होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। इसके अलावा आपको बताएंगे कप्तान रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में बदलाव करेंगे या फिर नहीं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय टीम के अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां पर 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। पहला वनडे मुकाबला 2 अगस्त को खेला जा चुका है। आपको बता दें, पहला वनडे मुकाबला टाई हुआ था, जहां पर श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 230 रन बनाए थे। भारतीय टीम को जीतने के लिए 231 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन भारतीय टीम 47.5 ओवर में 230 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में भारतीय टीम की हमें शानदार शुरुआत देखने को मिली थी, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने 47 गेंदों पर 58 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। दूसरी तरफ शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल 16 रन बनाने के बाद आउट हुए थे। आपको बता दें, शुरुआती ओवर्स में भारतीय टीम की अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद के ओवर में काफी धीमी बल्लेबाजी देखने को मिली थी। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को भी अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन वो 24 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे। इसके अलावा केएल राहुल 31 रन बनाए थे, तो वहीं अक्षर पटेल ने 33 रन बनाए थे। पहला मुकाबला टाई हो चुका है, अब यहां पर भारतीय टीम दूसरा मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 4 अगस्त को खेला जाना है। ये मुकाबला भी दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे। पहले मुकाबले की बात करें तो पहले मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, सभी गेंदबाजों को विकेट मिले थे। हालांकि कहीं न कहीं बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर नजर आई थी और इसी वजह से मैच टाई पर खत्म हुआ था। अब यहां पर दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल करते हुए सीरीज में आगे निकलना चाहेगी। दूसरे वनडे मुकाबले में हमें प्लेइंग 11 में शायद ही कोई बदलाव देखने को मिलेगा। वही 11 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ सकते हैं जो पहले मुकाबले में खेले थे। एक बार फिर से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। विराट कोहली पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। विराट कोहली काफी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि दूसरे वनडे मुकाबले में विराट कोहली एक बड़ी पारी खेलेंगे। हालांकि एक बार फिर से ऋषभ पंत का प्लेइंग 11 में खेलना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है, उन्हें अभी भी बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है। केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल ने पहले वनडे मुकाबले में 31 रन बनाए थे। केएल राहुल भी काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि जरूरत है कि केएल राहुल आने वाले मुकाबलों में थोड़ी सी तेज पारियां खेलें। अगर हम दूसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हरदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।